नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। पांच प्रण पर रण, आज भाजपा का पहला घोषणा पत्र आज भाजपा जारी कर देगा और जारी कर देगी, और साथ ही साथ पांच प्रण इसमें जारी होंगे। पांच बिंदुओं पर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, पांच इसके बाद 25 बिंदुओं पर, क्योंकि झारखंड गठन को 25 साल हो जाएंगे और उसके बाद भगवान धरती आबा की 150वीं जयंती का मौका है। ये 150वीं जयंती का वर्ष है, तो 150 घोषणाएं लोगों के लिए जारी की जाएंगी। इन घोषणा पत्र के साथ आज जो घोषणा पत्र जारी होगी, पांच प्रण पर जो रण जारी होगा, इसके साथ ही चुनावी संकनाद पूरी तरीके से हो जाएगा। जो कयास लगाए जा रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए एक सहायता राशि जो सम्मानजनक सहायता होनी चाहिए, और बांग्लादेशी घुसपैठ, इन तीनों का समावेश आज के पांच प्रण में जरूर होंगे। पांच प्रण के नाम से घोषणा पत्र की आज घोषणा की जाएगी। थोड़ी ही देर में, अब तो थोड़ी ही देर में वो सामने आ जाएगा, और उसके साथ ही हम आपको सीधे भाजपा ऑफिस भी लिए चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या कुछ है तैयारियां, क्या कुछ है होना। युवा और महिला, विधानसभा चुनाव को लेकर फ्रंट फुट पर बीजेपी। बीजेपी के पांच प्रण से शुरू होगा रण, पंच प्रण के नाम से बीजेपी का घोषणा पत्र। तीन चरणों में बीजेपी का घोषणा पत्र, 150 बिंदुओं का होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। पंच प्रण में युवाओं और महिलाओं पर फोकस। पंच प्रण ये चुनाव का जो पास प्रमुख हमारा निर्वाचनी कमिटमेंट होगा, हम उनका भी उद्घाटन करूंगा। बीजेपी आजसू और जेडीयू मिलकर लड़ेंगे चुनाव, एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच नहीं। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार, जल्द जारी होगी बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची। कैंडिडेट का लिस्ट पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय करना है कि एक ही सूची देना है कि दो सूची देना है। अगर पहला सूची देना है तो हम लोग तैयार है, लेकिन पूरा 81 सीट का सूची देना है तो उनके लिए थोड़ा सरसा का और जरूरत है। और मेरा लगता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है झारखंड में, और डेवलपमेंट आना है और कुछ चीजें इमर्ज होगा, इसीलिए पूरा लिस्ट लाने के लिए हमको कुछ समय चाहिए, लेकिन पहला सूची का साथ हम लोग रेडी हूँ। कांग्रेस जेएमएम और जेडी में सुख बुगाहट नहीं, क्या फंसा हुआ है सीट का पेज। तो पांच प्रण की अभी थोड़ी देर में घोषणा हो जाएगी। कितना समय है, क्या कुछ होना, एक बार रुक करते हैं हमारी सहयोगी रुचि का, सीधे भाजपा कार्यालय में रुचि इस वक्त है। रुचि, क्या तैयारियां हैं? पांच प्रण के साथ रण का आज आगाज हो जाएगा, चुनावी रण शुरू हो जाएगा। यही घोषणाएं हैं जिसको लेकर जनता के दरवाजे तक तमाम राजनीतिक दल जाते हैं। कई बार घोषणाएं टूट जाती हैं, कई बार सत्ता में आने के बाद लोग घोषणाएं भूल जाते हैं। जैसे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रोक दिया एमजीएम अस्पताल में, वहां के छात्रों ने एमजीएम अस्पताल की ओर वादों को याद दिलाया, छात्रावास की मांग की। तो घोषणाएं जो होती हैं उनको लेकर जनता काफी भावुक होती है और दिल से लगाती है घोषणाओं को। क्या कुछ तैयारियां हैं आज बीजेपी की? हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय के नजदीक ही एक बैंक्वेट हॉल में तैयारी की गई है, और ये घोषणा पत्र एक बार तैयारी को दिखाना चाहेंगे अभिषेक, कि ये जो तैयारी है, चूंकि पांच ही बिंदु आज संकल्प पत्र के यानी घोषणा पत्र के मात्र पांच ही बिंदु आज जारी किए जाएंगे, लेकिन वो पांच मुख्य बिंदु होंगे जिसके जरिए जो है जनता के बीच पैठ बनाने का प्रयास होगा। और वैसे तमाम जो नेता हैं उनके होर्डिंग बाहर में लगाए गए हैं, यानी कि बैंक्वेट हॉल के बाहर लगाए गए हैं, और ये संभावना जताई जा रही है कि मैया सम्मान योजना के अगेंस्ट, यानी कि एक तरफ हेमंत सरकार भले ही मैया सम्मान योजना चला रही हो, दूसरी तरफ बीजेपी जो है गोगो दीदी योजना लाने की तैयारी की है। और अब देखने वाली बात होगी, बस मात्र कुछ मिनटों का समय बचा हुआ है, कुछ मिनटों में ही ये घोषणा पत्र के पांच बिंदु जो है वो सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की उपस्थिति रहेगी, वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे, लक्ष्मीकांत बाजपेयी की उपस्थिति रहेगी, प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहेंगे। वहीं अर्जुन मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन मुंडा की उपस्थिति जो है वो रहने वाली है। तो ऐसे में ये जो तमाम होर्डिंग्स हैं, केंद्रीय मंत्री की बात करें उनके होर्डिंग्स लगाए गए हैं, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनके होर्डिंग लगाए गए हैं। तो ऐसे में हम लिए चलते हैं यहाँ पर जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव, उनके पास लिए चलते हैं सीधे। कुछ मिनटों का समय बचा है, हालांकि कहा गया था कि 5 बजे ही वो 5 बिंदु जो हैं वो सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। 1-2 मिनट का समय बचा है और 5 प्रण आज हम लोग घोषणा करेंगे। उसके बाद बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है, 150 पॉइंट्स होंगे। तो हमारे कई स्टेप्स में जो घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु हैं वो हम जारी करेंगे। और जो प्रदेश में माहौल बदल गया है और आज जो बड़ी योजनाओं की शुरुआत होगी, इसके बाद फिर से अलग जो योजनाओं की शुरुआत होगी, यकीन मानिए अब हेमंत सोरेन जी के राजपाट का अंत नजदीक है। जो लूट खसोट भ्रष्टाचार सब चरम पे था, अब सबका अंत है। बीजेपी आ रही है और जितने कार्य इन्होंने किए हैं सबकी जांच होगी और जो गरीब और शोषित है उनके लिए भी हम हर तरीके से आर्थिक सहयोग से लेकर उनको न्याय देने का काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि घोषणाओं को धरातल पर उतरने में समय लग जाएगा या 5 साल बीत जाएंगे? देखिए, ये बीजेपी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, जो कहती है वो डेफिनेटली करती है। हम लोगों ने 25,000 रुपये तक का किसानों को लोन माफी का वादा किया था, वो किया था। हम लोगों ने जो 25,000 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया था, 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी हमारे समय में। डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति को हम जंगलों में पहुँचाते थे उनका राशन, और उसके अतिरिक्त जनजातीय बटालियन का हम लोगों ने गठन किया था, आदिम जनजातीय बटालियन, जिसमें हम लोगों ने हाइट की अर्हता कम की थी, शैक्षणिक अर्हता कम की थी। बहुत विकास हुआ था हमारे कार्यकाल में और जनता फिर से हमें मौका देने जा रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को विश्वास है अभिषेक की जनता एक बार फिर से मौका देगी और फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और एक तय समय में उन सभी वादों को, घोषणा पत्र में जो वादे होंगे उन वादों को पूरा भी किया जाएगा। जी रुचि, प्रतुल कह रहे थे कि माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है कहने का तात्पर्य क्या हुआ, किस तरफ जा रहा है माहौल? बिल्कुल देखिए, माहौल बदल रहा है और फिर लिए चलते हैं कि ये कह रहे हैं सर कि माहौल बदल रहा है, तो माहौल किस तरफ जा रहा है? जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्होंने जो 5 वर्ष का 70,000 करोड़ का घपला घोटाला किया, और आप तो आपके न्यूज 11 ने उजागर किया रूप चटर्जी जी को फिर से साधुवाद, 1,20,000 करोड़ का घपला घोटाला धनबाद जिले में कोयले का जो हुआ, जो हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी की, तो आप जोड़ दे तो 2,00,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया, जो 2 वर्षों का झारखंड का आम बजट होता है। और मैया सम्मान योजना में ये जो दे रहे हैं सिर्फ 6,000 करोड़ का वार्षिक बजट है, 2,00,000 करोड़ डकार गए मुख्यमंत्री जी, और सिर्फ 6,000 करोड़ का ये झुंझुना पकड़ा रहे हैं। जनता को ये मंजूर नहीं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, वो कहते ना सिंहासन खाली करो कि भाजपा आ रही है। देखिए सिंहासन खाली करो और भाजपा आ रही है ये कहना है अभिषेक, और भी कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लिए चलते हैं सर। क्या ये घोषणा पत्र जो आज 5 संकल्प होंगे, ये 5 संकल्प 5 साल से पहले पूरे हो जाएंगे? जी अभिषेक, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र ही यही है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, धरातल पर उतरता है। इसका सीधा प्रमाण है नरेंद्र मोदी जी को आप उठा के देखिए, जब वो सत्ता में आए किस तरीके से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार दिया उन्होंने पूरी सफलता के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सही दिशा और स्पष्ट नीति है वो हर जगह लागू होता है और ये लोक सेवा लोक मंगल का ही काम है। तैयारियों का जायजा लीजिए, निश्चित तौर पर 5 प्रण के साथ आज रण का आगाज होना है, तो नजर बनाए रखिए कि 5 प्रण में युवाओं को महिलाओं को शामिल करने का वादा है। गोगो दीदी योजना की आज शुरुआत तो नहीं कर दी जाएगी? एक बड़ा सवाल यह भी है कि गोगो दीदी योजना को लेकर भी जनता इंतजार कर रही है। गोगो दीदी आदिवासियों में माँ और बहन, माँ और बहन की बात होती है, मैया सम्मान के जवाब में कहीं गोगो दीदी योजना आज लॉन्च ना कर जाए, नजर बनाए रखिए। हम फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक अतिथि आए हुए हैं, एक बार वक्त की भी पाबंदी है, अतिथियों से भी स्वागत कर लेते हैं। अतिथियों का हमारे साथ एनएसयूआई से सैफ अहमद साहब है, सैफ स्वागत है आपका। आजसू से गौतम सिंह साहब हमारे साथ हैं, गौतम जी स्वागत है आपका। और आदिवासी छात्र नेता अभय कुमार भरत साहब हमारे साथ हैं, अभय जी स्वागत है आपका। शुरुआत कांग्रेस से ही करते हैं सैफ, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं ना कांग्रेस में ना जेएमएम में ना आरजेडी में, मतलब लिस्ट की तो बात छोड़िए, घोषणाओं की बात छोड़िए, सीटों को लेकर भी पेच बचा हुआ है क्या? कम से कम घोषणाएं तो अब धीरे धीरे, अभी तो आप राय शुमारी में ही लगे हुए हैं कि कहां क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं? क्योंकि आज
बीजेपी अपना अपने पहले पांच प्रण की घोषणा कर देगी और इसी के साथ रण का आगाज हो जाएगा। सैफ जी, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन अपने स्तर पर जमीन पे काम कर रही है और बीते पांच सालों में काफी विकासकारी योजनाएं जो कि डायरेक्ट हमारे लाभुकों को, हमारे जनता तक पहुंची है। हमारे इंडिया गठबंधन की जो सरकार चल रही थी, जैसे बिजली बिल माफ करने की बात हो या फिर आपका मैया सम्मान योजना हो, विभिन्न तरह के योजनाएं जिसे जमीन पर उतारा गया है, उससे जनता का जुड़ाव हम पर है और हमारी पार्टियां जो भी इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं वो निश्चित रूप से काम कर रही है, जमीन पे अपना रिपोर्ट ले रही है, प्रति एक जिला और सीट वाइज भी समीकरण बनाई जा रही है जिससे चुनाव में अच्छा प्रदर्शन दोबारा से करेगी हमारी गठबंधन। और जो बात अभी आ रही है इनके घोषणा पत्र की बीजेपी की, तो इनको इनसे भरोसा उठ चुका है, सिर्फ झारखंड का जनता का नहीं, पूरा भारत का जनता का भरोसा उठ चुका है। बीजेपी का घोषणा पत्र मतलब झूठा पत्र, आप देख लीजिए, अगर उनका घोषणा पत्र अगर पूरा हुआ होता 10-20% 30% भी, तो भारत में महंगाई का दर इतना ऊपर नहीं उठता सर। आप देख लीजिए रोजगार में भी जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है पूरे देश में, वो भी इस तरह से, मतलब रोजगार का सिस्टम जो डमाडोल हो चुका है वो नहीं होता। अगर उनका घोषणा पत्र अगर वो सच्चा होता तो स्मार्ट सिटी बन चुका होता भारत में, बुलेट ट्रेन उतर चुका होता भारत में, ब्लैक मनी वापस आ चुका होता भारत में, पीएम आवास योजना को बंद कर दिया इन्होंने, तो वादा किया था पक्का मकान देंगे पूरे भारत में, एक भी कच्चा मकान नहीं दिखेगा 2022 तक, तो फिर 2024 में क्या मैनिफेस्टो जारी करके दर्शाना चाहते हैं? दोबारा से धोखा देने का काम और झूठा पत्र जारी करने से इंडिया गठबंधन को मुझे नहीं लगता है कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जमीन में अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, जमीन पर अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एनएसयूआई के सैफ अहमद साहब हैं, कई बिंदुओं पर सवाल उठाया, बेरोजगारी, महंगाई, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन। एक बार आंसू से गौतम साहब हमारे साथ है। गौतम जी, सेंट्रल को लेकर सैफ अहमद साहब ने कई बातें कही, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं कह रहे हैं कि धरातल पर राज्य में नहीं उतर रही। हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, झारखंड सरकार की योजनाओं को कैसे देखते हैं आप, जो वादे किए गए थे घोषणा पत्र में, क्या झारखंड सरकार ने, जेएमएम ने, कांग्रेस ने उन वादों को पूरा किया है? देखिए, जिस वक्त कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम सत्ता में आई थी और जो लोक लुभावन वादे इन्होंने किए थे उसको तो उतार पाने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए, और असफलता ऐसी रही कि अब इनके कोई भी प्रवक्ता, आप किस तीनों महागठबंधन के जो दल हैं किसी भी प्रवक्ता को देखिएगा तो अपने घोषणा पत्र पर बात करते इन बीते 4.5-5 वर्षों से ये दिखे ही नहीं। जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया होगा उसको ही ये लोग विकास समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक राज्य के रहने वाले एक एक जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, उनसे किए गए वादों पे सरकार खरी नहीं उतरेगी, तब तक उन तक जो विकास की परिपूर्ण संभावनाएं जो है, जो जिससे उनका समाज का एक निर्माण होता है, वो संभव नहीं हो पाएगा। आप समझिए कि जो वादे, मैं युवाओं के विषय पे आता हूँ, जो वादे किए गए थे, मेरा मानना है कोई भी पार्टी, युवाओं से संबंधित कोई भी पार्टी और युवाओं को लेकर कोई भी पार्टी अगर घोषणा पत्र लेके आती है तो युवाओं के साथ धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। उसका कारण है कि युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है किसी राज्य के निर्माण में और राज्य के विकास में। आज का युवा अगर बेरोजगार होगा, आज का युवा अगर ठगा हुआ महसूस करेगा और आज का युवा अगर हतोत्साहित नजर आएगा तो कहीं ना कहीं विकास के पथ पे और विकास की गति पे भी असर पड़ेगा। आप देखेंगे कि इस सरकार ने युवाओं के लिए जो भी योजनाएं की थी, मैं कहूं तो उसको पढ़ाई, दवाई, कमाई और न्याय, ये चारों चीज में असफल रही है और इन चारों चीजों पे ही आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे हमारा राजनीतिक दल हो या हमारा गठबंधन हो, या हम लोग इस पे विशेष फोकस करेंगे और ये हमारी हम आज आपके चैनल के माध्यम से वादा कर सकते हैं कि हम युवाओं के लिए स्वच्छ रूप से, न्यायिक रूप से, जिसपे विश्वसनीयता के साथ, अच्छे नियत के साथ उनके पढ़ाई, दवाई और कमाई की व्यवस्था
जरूर करके दिखाएंगे, पढ़ाई दवाई और कमाई की व्यवस्था करके जरूर दिखाएंगे। आसू का दावा है। अभय कुमार भरत साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आदिवासी छात्र नेता है। अभय साहब, क्या लगता है ये बीजेपी को, चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी को कहा जाता है कि आदिवासी विरोधी मानसिकता है बीजेपी की, लेकिन जेएमएम अपने आप को हमेशा से आदिवासियों का हितैषी बताता है, जेएमएम आदिवासियों की सत्ता बताता है, जेएमएम की सत्ता को। इन 5 सालों में जेएमएम सत्ता में रहा, पूरी तरीके से जेएमएम हावी रहा सत्ता में कांग्रेस के साथ, क्या आदिवासी छात्रों के साथ, आदिवासी बेरोजगारों के साथ इन 5 सालों में न्याय हो पाया? पहले तो मेरा परिचय स्पष्ट कर दूं, मेरा नाम अभय भट्ट कुंवर है। अभय भट्ट कुंवर, हाँ, और भारत आदिवासी पार्टी के हम प्रदेश सचिव हुए। भारत आदिवासी पार्टी के, अच्छा। आपका जो सवाल है, मैं कमोवेश देख रहा हूँ, एनडीए गठबंधन हो चाहे यूपीए गठबंधन हो, सभी के सभी झारखंड को चरागाह बना के लूटने का काम किया है। एक मिनट रुक जाइएगा, पीसीआर की टीम, नाम गलत चला रहे हैं आप, अभय भट्ट कुंवर चलाइए वहां पे, भट्ट कुंवर, अभय भट्ट कुंवर, ठीक है। और भारत आदिवासी पार्टी के हम पार्टी के सचिव, प्रदेश सचिव हुए। चलिए अभय भट्ट कुंवर जी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, और 19 से पहले भी झारखंड में उनकी सरकार थी, लेकिन हम लोगों ने देखा जमीनी स्तर पर जो है राज्य का जो विकास के लिए जो कार्य होना चाहिए, कमोवेश यहाँ के नागरिकों के लिए कोई काम नहीं हुआ। और जो विकास की जो बात की जाती है तो किसकी विकास, राज बने 23-24 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ के रोजगार के संदर्भ में आपका कृषि आधारित जो भी व्यवस्था करना है, कृषि के लिए पानी का जो व्यवस्था करना है, क्योंकि हमारा राज जो है आपका शहरी आबादी 30% है और आपका 70% ग्रामीण आबादी है, और ग्रामीण आबादी के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो हम जो है कृषि और जो है वन आधारित चीज़ों से पर हम आश्रित हैं। तो राज्य का जो स्थिति या परिस्थिति है उसके आलोक में जब तक राज्य का योजना नहीं बनेगा तब तक जो है राज्य का विकास नहीं होगा। अब भारत आदिवासी पार्टी जो है निश्चित तौर पर हमारा पार्टी भी जो है आने वाला चुनाव के लिए जो है हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। सर, सवाल आपसे कुछ और था, सवाल आपसे मेरा ये था कि सरकार जो वादे कर सत्ता में आई थी इन 5 सालों में 2019 से 2024 में, आदिवासियों की हितैषी सरकार बताई जाती है जेएमएम की पार्टी को, जेएमएम को, आपको क्या लगता है आदिवासी युवकों के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ, खासतौर पर युवकों के साथ, युवाओं के साथ न्याय हुआ है? आ रहा हूं सैफ आपके पास, इसके बाद आप ही के पास। देखिए, पहली बात, जो जेएमएम गठबंधन की जो सरकार है इन 5 वर्षों में जो है राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। आपने जितना भी वादा किया वो वादा जो है आपने पूरा नहीं किया। अभी चुनाव का पीरियड आ गया है तो आप चुनावी झुंझुना दिखाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार का जो योजना जो है आप जनता को आश्वासन दे रहे हैं, तो आश्वासन से राज्य का विकास नहीं होने वाला है। आश्वासन से राज्य का विकास नहीं होने वाला। सैफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएसबीआई से। सैफ साहब, अभय भट्ट कुंवर साहब कह रहे हैं कि आदिवासियों की हितैषी सरकार कहती है जेएमएम की सरकार, जेएमएम और कांग्रेस की, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है, ना युवाओं का, ना आदिवासियों का, ना मूलवासियों का, सीधा आरोप है। और भारत आदिवासी पार्टी के सचिव हैं, भारत आदिवासी पार्टी के नाम से इन्होंने, इन लोगों की पार्टी है। एक सवाल आपसे और रहेगा कि अगर सरकार ने काम किया है तो जमशेदपुर में आज एमजीएम के छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोक लिया और कई सारी घोषणाएं उनको याद दिलाई, वादों की याद दिलानी पड़ी, छात्राओं की मांग थी छात्रावास की। सैफ साहब जी, निश्चित रूप से मैं भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रवक्ता का बात सुन रहा था। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि झारखंड को चारागाह बना दिया है इंडिया गठबंधन या जो भी गठबंधन का बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि झारखंड आंदोलन में निश्चित रूप से हमारी पार्टी झारखंड के निर्माण से पहले से यहाँ पे स्थापित है। इनका स्थापना अभी हाल में हुआ है, इनको शायद इतिहास पढ़ने का जरूरत है। हम लोग जब झारखंड निर्माण नहीं हुआ था उस टाइम से विजन लेके चला आ रहा हमारा पार्टी, किस तरह से झारखंड का निर्माण करना है, वो प्लानिंग था, झारखंड का निर्माण हुआ, आज उसको डेवलपमेंट के लिए हम लोग आगे भी प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह से एक बार में विकास नहीं होता है, मानता हूँ, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। हमारी सरकार एक से एक योजनाएं लाई,
आजसू के भी प्रवक्ता बोल रहे थे जिस तरह यूथ के लिए कुछ नहीं किया गया, तो मैं बता देना चाहूंगा खेलो झारखंड, मैया सम्मान योजना, इंटर्नशिप प्रोग्राम, सहायक पुलिसकर्मी, होमगार्ड, पारा शिक्षक, जल सहिया, इन सभी चीजों में हमने महिलाओं को भी टारगेट किया लाभान्वित करने के लिए और युवाओं को भी किया है। और स्पोर्ट्स में भी खेलो झारखंड के माध्यम से बहुत सारे हमारे खिलाड़ियां उभरे, नेशनल तक गए और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। और जो जमशेदपुर में रोकने का बात कहे हैं सर, वो किसी तरह से ये लोग अभी चुनाव का माहौल है, साजिश भी रच रहे हैं, सरकार में अनेक आरोप भी लगा रहे हैं, हमारी सरकार बार बार रोजगार देने के लिए अनेक एग्जाम भी ले रही है, हर एग्जाम के बाद ये लोग एजेंडा बना दिए हैं कि किस तरह से विरोध करना है। हम लोग प्लान कर रहे हैं रोजगार निकालने का, ये लोग प्लान कर रहे हैं विरोध करने का। मैया सम्मान योजना निकाले तो पूरा झारखंड में ये लोग आंदोलन की तरह आग उगल रहे थे कि ये गलत है, ऐसे कर रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं महिलाओं को। तो फिर ये गोगो दीदी योजना देने का क्या बात कर रहे हैं आप अभी 2100 रुपया देने का। उसी तरह से घुसपैठियों का बात कर रहे हैं ये लोग, मैनिफेस्टो में बात कर रहे हैं। तो घुसपैठिया झारखंड सरकार के हाथ में नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, आप क्यों नहीं रोके? और बोलते हैं आप पहले से घुसपैठिया है, तो 5 साल पहले तो आपका सरकार था, आप उस टाइम घुसपैठियों को क्यों नहीं चिन्हित करके उस पे काम किए? तो ये आरोप लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं हर चीज में, अनेक मुद्दा में। जब जब हम लोग कोई एग्जाम निकाल रहा है झारखंड सरकार, उसको डायरेक्ट ये लोग पेपर लीक का मामला घोषित करवा दे रहे हैं। तो इससे विकास में ये लोग बार बार बाधा बन के खड़े हो रहे हैं, ये लोग विकास के लिए सहयोग नहीं, ये लोग बाधा बने हुए हैं। बड़ा आरोप है गौतम सिंह साहब, बड़ा आरोप है कि विकास में बाधक बन गए हैं आप लोग, साजिश रच रहे हैं आप लोग। अगर मैया सम्मान योजना गलत है तो गोगो दीदी योजना आप क्यों ला रहे हैं? और घुसपैठ पर भी बड़ा प्रहार कर दिया है कि घुसपैठ अगर हुआ है तो जिम्मेदार केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार को इसके लिए जवाबदेही होनी ये निश्चित करनी होगी। और अगर स्टेट में भी घुसपैठ पहले से हुआ है तो 14-19 तक तो आप थे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? गौतम साहब देखिए, जो हमारे एनएसवाई के भाई हैं वो कई ऐसे बातें बोल के निकल जा रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देता। पहली चीज मैं कहूँगा कि इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी का झारखंड आंदोलन में योगदान रहा है। मुझे लगता है कि जानकारी का थोड़ा अभाव है, योगदान है लेकिन झारखंड आंदोलन को खरीदने में इनका योगदान है, और इनके साथ जो सत्ता में है जो दल जेएमएम उसका झारखंड आंदोलन को बेचने में योगदान है। अगर ये लोग आपसी साठगांठ नहीं किए होते तो 1993 में ही झारखंड राज्य का गठन हो गया होता। तो इस चीज पे ये बोलेंगे, सबसे पहली जो है मैं इसका निंदा करता हूं कि ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि इनका राज्य गठन में योगदान है, वो भी कांग्रेस के लोगों का। दूसरी चीज है, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि खेलो झारखंड और तमाम चीजों के माध्यम से यहाँ युवाओं का ये कर रहे हैं, इसका भी जानकारी का अभाव इनको है। गौतम एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें दिख रही हैं, पंच प्रण की घोषणा बस होने ही वाली है, हमारी टीम वहां मौजूद है और जैसे ही शुरू होगा हम आपको सीधे भाजपा कार्यालय ले चलेंगे। गौतम मैं ये बोल रहा था कि जिस तरीके से खेलो झारखंड की बात कर रहे हैं इनको जानकारी का अभाव है। पूर्व की सरकार में भी जो खेलो झारखंड का नाम दे रहे हैं, ये विद्यालय स्तर पे जो राष्ट्रीय विद्यालय खेल होते हैं उसके लिए झारखंड के स्तर पे एक सिलेक्शन का ट्रायल होता था और इसकी प्रतियोगिता होती थी, लेकिन आज आप देखेंगे तो इसी को नाम बदल के खेलो झारखंड कर दिया गया है। और आप कई रिपोर्ट में देखेंगे कि खेलगांव बच्चे ट्रायल देने के लिए आते हैं। गौतम रोकना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, आप सभी अतिथियों को थोड़ा आज कम वक्त मिला है लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।